रिंकू सिंह आईपीएल 2023 की खोज कहे जा रहे प्लेयर। रिंकू ने सीजन लगातार केकेआर के लिए कमाल की बैटिंग की। उन्होंने टीम को अक्सर ही बुरे हालात से उबारा और कई मौकों पर तो लगभग असंभव सी जीत भी दिलाई। उन्होंने ऐसा ही कुछ लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ भी ट्राई किया, हालांकि वो इसमें सफल नहीं हुए और केकेआर वाले एक रन से ये मैच हार गए। लेकिन रिंकू की बैटिंग इतनी कमाल थी कि मैच के बाद लखनऊ के प्लेयर समेत कप्तान कुणाल ने भी उनकी तारीफ की। मैच के तुरंत बाद ब्रॉडकास्टर से बात करने आए स्पिनर रवि बिश्नोई ने रिंकू के बारे में कहा, जीतकर हमेशा अच्छा लगता है, प्लेऑफ में पहुंचकर भी अच्छा लग रहा है। रिंकू सिंह जिस तरह से खेल रहे थे, हर गेंद पर डर लग रहा था, हमें लगा था कि बोर्ड पर पर्याप्त रन है, हमारा प्लान विकेट टू विकेट बॉलिंग का था। इतना ही नहीं, लखनऊ की कप्तान कुणाल पांड्या ने भी रिंकू की तारीफ की। वो बोले, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि संतुष्ट हूँ, हमने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, हमें बहुत प्रेशर में डाला गया, लेकिन लड़कों को क्रेडिट देना होगा। एक वक्त ये लोग 61-1 थे, लेकिन हमने पहले भी देखा था कि इस लेवल पर 2-3 टाइट ओवर से हम गेम में लौट आएंगे। पिच पर स्पिनर्स के लिए थोड़ी ग्रिप भी थी। रिंकू की तारीफ करते हुए कुणाल ने कहा, रिंकू इस साल स्पेशल रहे हैं, हर गेम में जब भी वो पिच पर हैं आप हल्के में नहीं ले सकते, आज भी उसने ये दिखाया, लेकिन ये एक हाई प्रेशर सिचुएशन थी। डेथ ओवर्स में हमने प्लान को अंजाम तक पहुंचाना ही होता है। मैं हर गेंद के बाद अपने बॉलर से बात कर रहा था, मैंने उनसे अपने प्लान्स को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बोला, इसके बाद अगर बैटर अच्छा शॉट खेलता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। कुणाल से पहले केकेआर के कप्तान नीतीश राणा ने भी रिंकू की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था, मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि हमारे पास टॉप 4 में पहुंचने की क्षमता थी, हम अपनी गलतियों पर काम करेंगे और अगले सीजन बेहतर होकर लौटेंगे। मैंने 14 के 14 मैच में रिंकू के बारे में बात की है, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए बहुत खुश हूं और मेरे पास उनकी तारीफ के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि वो क्रिकेट के मैदान पर क्या कर सकते हैं। रिंकू ने इस सीजन रन चेस की 7 पारियों में 152.50 की एवरेज और 174 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 305 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 4 पचासे भी लगाए। रिंकू ने इन पारियों में 20 चौके और 22 छक्के जड़े। लखनऊ के खिलाफ उन्होंने 33 गेंदों पर 67 रन बनाए, इसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। हालांकि इसके बाद भी उनकी टीम एक रन से हार गई। लखनऊ ने पहले बैटिंग करते हुए 176 रन बनाए थे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।